ठीक है बच्चों, तो अब जैसे ही हम ये सीख चुके हैं, आई जस्ट समराइज इट अबाउट इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी पे अटेंशन। तो ये तो सिंपल है, हमने क्या किया, मुस्कान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर उसने ना गुड्स खरीदे, बॉट गुड्स। कितने के मैम? उसने गुड्स खरीदे 5,000 के, और उसको 9-9% जीएसटी देना पड़ा, 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी। तो मैम जब उसने गुड्स खरीदे तो उसने टोटल पैसा बाहर दिया 5,900, उसने टोटल पैसा बाहर दिया 5,900। तो टू कैश, कैश बाहर गया 5,900 का, तो ये तो क्रेडिट ही होगा। लेकिन मैम आप इन सब का बताओ, मैम परचेज डेबिट होगा, हमें पता है, हम सीखे हुए हैं कि परचेज मैम हमारा एक्सपेंस है तो हम डेबिट करेंगे। बट इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आपने क्यों डेबिट किया? क्योंकि अभी मुस्कान ने जब ये गुड्स परचेज किए तो ये जीएसटी पे किया। तो जब उसने जीएसटी पे किया, ये इनपुट सीजीएसटी, ये इनपुट एसजीएसटी उसका बन गया एसेट। और मैम एसेट को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो एक तरीके से परचेज के टाइम पर मुस्कान हैज पेड जीएसटी। नाउ दिस जीएसटी इज गोइंग टू बी द एसेट फॉर मुस्कान, जिसका फायदा वो आगे चल के ले लेगी। कैसे लेगी वो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे टैक्स क्रेडिट मिलता है। बट एज ऑफ नाउ आपको इतना समझना क्लियर है और इम्पोर्टेंट है क्या, कि जो आप जीएसटी पे कर रहे हो एट द टाइम ऑफ परचेज, उसको एक तो हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी, अगर वो सीजीएसटी है तो इनपुट सीजीएसटी, वो एसजीएसटी है तो इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी हमने डेबिट किया है, विच रिप्रेजेंट्स द एसेट फॉर बिजनेस ऑफ मुस्कान, एज मुस्कान हैज स्टार्टेड द बिजनेस, देयरफॉर इट विल बी डेबिटेड। तो 9% ऑफ 5,450 एंड 9% ऑफ 5,450, ऐसे करके आपको टोटल कितना मिल गया, 450 450, आपका टोटल जीएसटी 900, लेकिन इस तरीके से बाइफर्केट हुआ। और डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमारा एसेट है। तो हमने जब गुड्स खरीदे 5,000 के, हमने 5,900 दिए, 5,000 गुड्स की तरह और 900 रुपए जीएसटी की तरह। अब अगर हम गुड्स सेल करते हैं, तो अगर हमने रईस को गुड्स सेल करें तो इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि रईस से पैसा लेना बाकी है, तो अभी पैसा आया नहीं है। तो कैश या बैंक को डेबिट करने की जगह हमने रईस को डेबिट किया, रिप्रेजेंटिंग आवर डेटर, डेटर इज आवर एसेट, तो रईस डेबिट हुआ। पर कितने से? हमने सेल तो खाली 1500 से करी, वो डेबिट हुआ 1770 से, क्योंकि जब हमने उसको सेल किया तो हमने उसको 1500 रुपए तो मांगे ही, साथ ही साथ हमने उसको जीएसटी भी मांगा 9-9% का, हमने उससे जीएसटी भी मांगा 9-9% का। तो आउटपुट सीजीएसटी 9% 135, आउटपुट एसजीएसटी 9% 135। अब हमने जब रईस को गुड सेल किए तो 1500 के साथ साथ 135 135 भी लिया, 135 135 भी लिया। तो ये मैम क्यों लिया? ये हम लोग ने जब रईस से लिया तो ये हमारी है लाइबिलिटी। क्यों मैम? क्योंकि रईस से कलेक्ट करके हमने अपनी जेब में 1500 डाले हैं, बाकी 135 135 कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के पास। तो ये मुस्कान का बिजनेस है, मुस्कान ने जब रईस को गुड सेल करके 1770 रुपए लिए, 1500 वो अपनी जेब में डालेगी, लेकिन 135 135 मुस्कान के पास लाइबिलिटी के तौर पे है, जो उसने रईस से कलेक्ट करे हैं, जो उसने रईस से कलेक्ट करे हैं, पर एंड ऑफ द डे किसके पास चले जाएंगे? एंड ऑफ द डे चले जाएंगे गवर्नमेंट के पास। मतलब मुस्कान इज लाइबल टू पे टू द गवर्नमेंट। मुस्कान को ये 135 प्लस 135 270 रुपए गवर्नमेंट को देने हैं। तो आज उसने जब रईस से 135 प्लस 135 कलेक्ट किया है, ये कलेक्शन उसके लिए लाइबिलिटी है, ये कलेक्शन उसके लिए लाइबिलिटी है, देयरफॉर बीइंग लाइबिलिटी ये क्रेडिट है। So, 1500 उसकी जेब में, 135 प्लस 135 गवर्नमेंट को देने हैं, तो अभी तक खाली कलेक्ट करे हैं, तो ये 135 135 becomes your liability and therefore it is credit।